अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल मीरपुर खास रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर और शॉर्ट टूर कराएंगे आज आपको मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये छोटा सा हरा भरा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है और वॉकिंग एरिया पे दोनों तरफ ट्रीज़ मौजूद हैं जो बहुत ज़बरदस्त व्यू पेश कर रहे हैं। और बिल्कुल सामने आते ही यहाँ पर क्रिकेट चल रही है, तो कुछ भाई क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। और उसके बिल्कुल सामने आपको मीरपुर खास रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ब्रिटिश दौर की तरफ पर बनी हुई है अभी तक, और तीन जबानों में लिखा हुआ है यहाँ पे मीरपुर खास, और ऊपर हमारा कौमी परचम रहता हुआ नज़र आ रहा है आपको। इस साइड पे बहुत खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है, तो चलते हैं हम प्लेटफार्म की जानिब और अंदर से भी विज़िट कराते हैं आपको। ये मेन एंट्रेंस है इस मीरपुर खास रेलवे स्टेशन की, और ये बुकिंग ऑफिस साइड पर, और ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस और इंफॉर्मेशन ऑफिस, और ये किराए नामे और ट्रेनों के नाम लिखे हुए हैं। और इस साइड पर मीरपुर खास कराची कैंट के दरमियान चलने वाली ट्रेनों के नाम और किराए मौजूद हैं। और ये बिल्कुल मेन बिल्डिंग के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर एक मौजूद है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का, और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है इस रेलवे स्टेशन की। दोस्तों सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1926 में बना हुआ रेलवे स्टेशन है ये, और रिपेंट हुआ हुआ है और बहुत ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड कर रही है बिल्डिंग। और सब इंजीनियर ऑफिस, एएसएम ऑफिस सब इसी लाइन में मौजूद है। दोस्तों हम बिल्डिंग की गैलरी में आग बुझाने का सामान भी रखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सामने स्क्रीन पर, और वेटिंग स्केल भी रखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा इसका भी विज़िट कराते हैं आपको। वर्किंग हालत में नहीं है शायद, क्योंकि अभी बंद है ये। दोस्तों एक बहुत खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है ये, और सामने आपको तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर 152 डाउन शालतीफ एक्सप्रेस का रेक नज़र आ रहा है। दोस्तों ये ब्रिज पर आ गए हम मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के, और यहाँ से आपको वसी यार्ड दिखाते हैं मीरपुर खास का। और ये हमारे दोस्त कंचे खेल रहे थे आप अकेले, मज़ा आता है आपको। दोस्तों ये बिल्डिंग के साथ ही एक नंबर प्लेटफार्म मौजूद है, और कुल टोटल तीन प्लेटफार्म है इस रेलवे स्टेशन के, जिस पर तीन नंबर प्लेटफार्म पर अभी शालतीफ एक्सप्रेस खड़ी हुई है, और दो नंबर प्लेटफार्म का यार्ड अब खाली नज़र आ रहा है। और इस साइड पे आगे पहले कभी ट्रेन चला करती थी, अब फ़िलहाल कोई भी ट्रेन नहीं चला करती इस साइड जाने के लिए। और ये टूवर्ड्स डाउन साइड यानी कि कोटरी कराची कैंट की जानिब। सॉरी जी माय मिस्टेक, चार नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है 152 डाउन शालतीफ एक्सप्रेस। ये तीन और चार नंबर प्लेटफॉर्म पर ये जी 152 डाउन शालतीफ एक्सप्रेस ने धमाकेदार विशेष सप्लाई कर दिए हैं मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से। खैर मैं आपको बता रहा था कि
इसके इस प्लेटफॉर्म पर पानी पीने का मौजूद है और आप इससे मुंह भी धो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो पानी होना बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, इस प्लेटफॉर्म पर दरख्त बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत खूबसूरत बना रहे हैं इस रेलवे स्टेशन को, और माय पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक बहुत अच्छा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। कोई ट्रेन तो अब यहाँ से रवाना होती है जो हम आपको, इसमें हम यहाँ से खुद सवार हो जाएंगे, अभी कोई बड़ी ट्रेन से जाती नहीं यहाँ से पास होती जो हम आपको दिखाएं या रेल फेनिंग की जाए। तो मुख्तर सा ब्लॉग था, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। इस तरीके से हम दोस्तों, ये था हमारा आज का मुख्तर सा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।